नमस्कार प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, पैरछू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई है मेहंदी के प्रति, उसके लिए दिल से थैंक यू। पूरे जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ थोड़ी दिन के लिए नहीं है, आपको सबको कम से कम 50 डे दिखाना है, और आपको बताना है कि एक अच्छी सिनेमा चलती है। और या इस सिनेमा में सिर्फ एक गाना ही नहीं, बल्कि आप सबको कबीर सिंह भी देखने को मिलेगा, आज की जनरेशन की चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और कल कुछ हॉल से फ़ोन आए थे, और कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास, बोले कि भैया बहुत दिन बाद कुछ ऐसी सिनेमा देखने को मिली है, और बड़े खुश थे। बोले कि भैया हम दो दो बार भी देख रहे हैं, तो लग रहा है जी एक बार और देखें। तो बस कोशिश थी हमारी, और हमारी ही नहीं बल्कि पूरे टीम की कोशिश थी ये। और आज के जनरेशन की ये सिनेमा है, इसमें कबीर सिंह भी आपको देखने को मिलेगा, हम आपके हैं कौन भी मिलेगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी मिलेगा। तो हर वो चीज़ इसमें माँ बहन भी देख सकती हैं, काका चाचा बिटिया जो भी है, मेरे छोटे भाई बड़े भाई सब लोग देख सकते हैं इस सिनेमा को, और आपको हर वो चीज़ मिलेगी। तो भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, आप लोगों ने किया और बहुत किया, आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया अपने बेटा अपने भाई को कि शायद आजीवन आप सबका गुलाम हूँ मैं और रहूँगा भी। और मेरी पूरी टीम ने, और आपका जो श्रद्धा है खेसारी के प्रति, और आपका जो झुकाव और आपका प्यार जो है खेसारी के प्रति, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको कि आप लोग इतना प्यार देते हैं इस बेटा को। रजनीश मिश्रा जी, अनंजय रघुराज जी, निशांत उज्ज्वल जी, अभय भैया से लेकर रितु सिंह से लेकर शहर अफसा तक सब ने, यहाँ तक कि अमरपाली दुबे जी ने भी, जो उनका गेस्ट अपीयरेंस गाना है वैसलीन लगा के, वैसलीन जो गाना है कमाल का गाना है, और उठवा से मधु चुए को तो पहले ऑलरेडी आप लोगों ने हिट कर दिया है उसको, उसके बाद पात्र पात्र पान गारंटी, मैंने गाने से लेकर और कहानी तक आपको नहीं लगेगा जब आपका बेटा कहीं से कोई चूक किया है। कोशिश की है हम लोगों ने, बस जिस तरह से हॉल मालिक और लोगों पब्लिक का जो रुझाव दिख रहा है, तो आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो आप अच्छे से प्यार भी देंगे। तो थैंक यू, लव यू कि आप लोगों ने इतना प्यार, कई जगह के वीडियो कल मेरे पास आए भीड़ के, तो देखकर मैं रात भर सो नहीं पाया आप सबकी मोहब्बत देख देख के, जो आप इतना प्यार देते हैं अपने इस बेटा को अपने भाई को। तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इतने मोहब्बत के साथ खेसारी को अपने दिल में बैठा के रखा है, और सबको प्यार दे रहे हैं आप सब, सब मिलके एक साथ प्यार भर भर के दे रहे हैं सब। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद तो हो ही गया, आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम भोजपुरी गाने को भी कम टाइम में 100 मिलियन पार करने की कोशिश कर सकते हैं, और करते भी हैं। और 1 महीना 7 से 8 दिन में आप लोगों ने 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको। और बस मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी टीम को ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद, ऐसे ही सिनेमा देखिएगा तो हमारी भोजपुरी लुप्त नहीं होगी। हम चाहते हैं हर आदमी से चाहते हैं, मैं सारे, क्योंकि पब्लिक आना ही बंद हो गई थी थिएटर में, लेकिन एक मेरा सिनेमा जाल मूवी रिलीज हुआ उससे शुरुआत हुई। तो मैं चाहूँगा हर आदमी, हर स्टारों से भी मैं अपील करूँगा कि पब्लिक का धन्यवाद दीजिए कि पब्लिक कम से कम हॉल तक आने का काम तो किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब मिलके उनका स्वागत करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी सिनेमा बनाने की कोशिश करें, और सब लोग बनाएंगे, और सबकी अच्छी सिनेमा होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहदी ही अच्छी है, बट मेहदी ने एक अलग, एक आज की जनरेशन की चीज़ों को रखा है। रजनीश मिश्रा जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, निशांत उज्ज्वल जी को, हमारे अभय भैया जी को, मैंने पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अनंजय रघुराज जी को, कि सबने मिलकर एक अच्छा सिनेमा बनाने का काम किया, और मेरा, मैंने मेहनत की जो उन्होंने कराया मुझसे, तो दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, लव यू। मैं रात भर सच में नहीं सो पाया, मैं गॉड कसम आप सबका कसम खा के बोल रहा हूँ, जब मैं पब्लिक का वो देखा ना भीड़, तो मुझे बहुत दिन बाद देखने को मिला, और सबने बोला, कई जगह से फोन मुझे आया कि क्या सिनेमा है, क्या सिनेमा है। और सच में आप देखेंगे, एक माँ का सीन ऐसा है कि पूरी टीम रोने लगी थी, और रजनीश मिश्रा जी कट बोलना भूल गए, और सब रो रहे थे, वहां के गुजरात के क्राउड लग रहा था कि माँ के प्रति किसी को इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है। और उस मोहब्बत ने मेरी जो माँ चिता पे लेटी थी वो माँ तक रोने लगी, वो एक माहौल ही अलग था। और रजनीश मिश्रा ने मुझे गाली देकर बोला कि ऐसे किया जाता है क्या, तुम एक्टिंग कर रहे हो कि पागल कर रहे हो। तो ये आप सबका
ताकत है जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर करता है। और मैं रजनीश भैया को फिर दिल से एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक फिर से एक अच्छी खूबसूरत सिनेमा बनाने का और सोचने का काम किया। तो दिल से प्रणाम है भैया आपको, और हमेशा प्रणाम करूँगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का आशीर्वाद लिए बिना मैं कहीं निकलता नहीं। तो बस आप सबका प्यार आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बरकरार रहे हमारे लिए, और खेसारी को ऐसे ही भर भर के प्यार देते रहिए। और आप जितना इसको देखेंगे उतना ही हर आदमी ऐसे फॉलो करेगा, हमारी भोजपुरी का इतिहास बरकरार रहेगा। क्योंकि लोग कह रहे थे कि भोजपुरी खत्म हो गई, व्यूवर आते हैं बट सिनेमा घर में लोग नहीं आ रहे हैं। तो एक बार प्लीज, जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा को इतनी मोहब्बत देते हैं, जो वो सिनेमा देखते हैं जरूर, ताकि उससे हमारा अस्तित्व बचा रहे। सिनेमा अस्तित्व को बचाता है और आप लोगों ने कल साबित कर दिया और आज हर जगह लगी है। क्योंकि कल भी कई जगह पे होली था, लोगों ने मंगलवार को नहीं तो बुधवार को मनाया, तो इसलिए आज हर कई जगह पे सिनेमा लगी हुई है। और क्या बोलूँ आप सबकी मोहब्बत के लिए, सच में आप भगवान हैं। अगर हम श्रद्धा से अच्छी सिनेमा का फूल आप सबके बीच में चढ़ाएं तो शायद आप साक्षात दर्शन देकर और अपनी उपलब्धियां कायम करते हैं और भर भर के आशीर्वाद भी देते हैं। मुझे लगा जी लेकर आपके चरणों में जाएंगे तो शायद आप हमेशा अपना हाथ ऊपर करके और अपने बेटा अपने कलाकारों का आशीर्वाद आप थैंक्स ऑल जनता और मेरी जनता रूपी भगवान के, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और दे रहे हैं। लेकिन इस मोहब्बत को रोकिए मत, इस मोहब्बत को ऐसी मोहब्बत पाए हर आर्टिस्ट पाए। तो मैं बस अपील करूंगा, सब स्टारों से भी अपील करूंगा कि अब हमारी जनता जाग गई है, तो उस जनता के लिए इसका वीडियो जरूर बनाइए आप सब। क्योंकि हमारी जनता कहीं ना कहीं सिनेमा घर तक नहीं आती थी और आज वो आना शुरू हो गई है। तो हमारा दायित्व तो बनता है, हर स्टारों को दायित्व तो बनता है कि हम उनका धन्यवाद दें, उनका वेलकम करें, ताकि ऐसे ही उनका आना लगा रहे हमारे, हमें प्यार देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो लव यू ऑल टीम, टेक्नीशियन ग्रुप, लाइट मैन से लेके स्पॉट बॉय तक, आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बत देकर एक सिनेमा बनाई और हमारी जनता ने अपने दिल में बसा लिया मेहदी थ्री को। तो लव यू ऑल फिर से एक बार रजनीश मिश्रा जी को, अनंजय रघुराज जी को, निशांत उज्जवल जी को और अभय भैया को, सहर अफसा जी को, ब्रजेश त्रिपाठी जी को, आपके रितु सिंह जी को, महेश मास्टर जी को, मैंने जितने भी लोग कलाकार आर्टिस्ट हैं सबको दिल से, अमित शुक्ला जी सबको प्रणाम दिल से कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, उदय तिवारी जी तो दिल से प्रणाम, श्रद्धा यादव जी, श्रद्धा नवल जी सबको दिल से प्रणाम कि सबने एक अच्छा काम किया। मनोज टाइगर जी जिन्होंने भी बहुत ऐसा भूमिका निभाया, तो बड़े भाई हैं मेरे, तो दिल से प्रणाम है मनोज भैया कि आपने उस सिनेमा के लिए अपना बेशकीमती समय निकालकर और अच्छे काम करने का और कुछ सिखाने का काम किया खेसारी लाल यादव को भी और पूरी टीम को भी। दिल से प्रणाम मनोज भैया को भी, सब पूरी ऑल टीम को दिल से थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू मेरे जनता को, जिस जनता ने हमारे काम को इतना सराहा और इतना प्यार दिया। लव यू ऑल, सच में आप ईश्वर हैं। और आप जाइए, आपको कबीर सिंह भी देखने को मिलेगा और मेहंदी लगा के रखना थ्री तो है ही वो, बट आपको हम आपके हैं कौन भी मिलेगा, एक भी बलगर चीजें नहीं, एक अश्लीलता से मुक्त और आज की जनरेशन को देखते हुए, आज कॉलेज के लोगों को, बहन जितने भी लोग हैं आज के जनरेशन है उनको देखते हुए एक सिनेमा जो बनाया और आपने जो भर भर के प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू, लव यू ऑल।